बैरिया बलिया क्षेत्र के इब्राहिमबाद गांव में किसानों ने अपने खेतों में लगे 4 माह के से बरसात के पानी को हटाने की कोई भी समुचित व्यवस्था न होने से नाराज होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को वोट न देकर नोटा दबाने की एक स्वर में ऐलान किया। ग्रामवासियों ने कहा, योगी जी व मोदी जी अपने भाषण में जगह जगह कहा करते हैं सबका साथ सबका विकास, परंतु हम किसानों की स्थिति आज बद से बदतर होती जा रही है। खरीफ की फसल पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद आज रवि को बुआई पर संकट आ गया। हम ग्रामवासी इस जल जमाव की स्थिति से राज्य सभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधायक प्रमुख के अलावा SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित सबको इस समस्या से बाबत पत्र देकर एक माह पूर्व ही अवगत करा दिया गया, परंतु किसी ने भी हम किसानों की समस्या का समाधान करने का प्रयास तक नहीं किया। गांववासियों द्वारा इस जलजमाव को लेकर दर्जनों भर धरना प्रदर्शन किया, परंतु मामला जस का तस बना रहा। अंततः आज ही जाकर ग्रामवासियों सहित अगल बगल के गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब नेतागण हमारे सुख दुख में काम नहीं आएंगे तो हम आगामी विधानसभा चुनाव में इन बहुरूपी नेताओं को सिंबल को न चुनकर नोटा का प्रयोग करेंगे। इस मौके पर नारायण सिंह, अभिमन्यु सिंह, सोनू सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चिंबलिया। आप पोस्टर लगाए हुए हैं? कारण ऐसा है कि 4 महीने से हम लोग इस पानी के लिए लड़ रहे हैं, बहुत जगह आवेदन भी किए, लेकिन ये 4 महीना की लड़ाई आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। खुद हम लोग किसान हैं, आज की स्थिति है कि हम लोग का आषाढ़ का भी खेती चला गया है और कार्तिक का भी जा रहा है। अच्छा, सांसद जी हमारे बोल चुके थे कि एक सप्ताह में पानी का निकासी हो गया, तो पानी तो कुछ कम दिख रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? केवल जो है दिखाउसा के डाल है सब, केवल मुंह पर कुछ कह देते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग नोटा को पसंद किए हैं, तो हमारा इब्राहिमाबाद तो के सभी ग्रामवासी नोटा को पसंद किए हैं, नोटा पर वोट डालेंगे। तो दैनिक जागरण में तो इसका प्रकाशित तो हो चुका है पानी के विषय में। देखिए, दिखाने के लिए हाथी का 2 दांत है, उसी तरह नेताओं का 2 दांत है, एक दांत खाने के लिए है, एक दांत दिखाने के लिए है।